भाई ब्रेजा का बेस मॉडल अगर आपके पास है और उसको करवाना चाहते हैं आप टॉप मॉडल में कन्वर्ट, तो ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इस गाड़ी को हम कर रहे हैं बेस टू टॉप। तो फॉग लैंप्स आप देख सकते हैं हमने इसमें इंस्टॉल किया, फ्रंट का यू भी हमने इंस्टॉल करा, नीचे स्किड प्लेट भी देख सकते हैं लगाई गई है, टायर क्लैडिंग भी इसमें इंस्टॉल करी है, हायरस ऑडियो की डैम्पिंग भी करी हमने इसमें, मॉरल के कॉम्पोनेंट भी इसमें इंस्टॉल करें, इनर हैंडल्स ब्लैक आते थे उसको हटा के हमने इसमें क्रोम वाले लगा दिए, डोर वाइजर्स इसमें क्रोम कलर के इंस्टॉल करें, रूफ रेल्स भी आप देख सकते हैं हमने इसमें इंस्टॉल करें, और भाई सीट कवर्स भी आप देख लो कितने ही प्यारे लग रहे हैं, एलईडी रिफ्लेक्टर्स भी हमने इसमें इंस्टॉल किया, बैक का यू भी आप देख सकते हैं आगे इंस्टॉल होने, इस मॉडल के स्टीयरिंग में कंट्रोल्स नहीं आते थे उसको हटा के लगा दिया, टॉप मॉडल का जेन्युइन स्टीयरिंग, और भाई बेस मॉडल के मिरर्स हमने हटा के लगा दिए, टॉप मॉडल के ब्लैक कलर के मिरर, तो भाई 16 इंच के अलॉयज में हम इसमें इंस्टॉल करें जो कि उसी टायर में होने वाले हैं, और भाई बेस मॉडल में आर्मरेस्ट भी नहीं आता, तो ये हटा के हमने ये भी जेन्युइन पार्ट इंस्टॉल किया, तो डोर पैनल्स पूरा सॉफ्ट टच का काम किया गया, आप ये वुडन किट भी देख सकते हैं ये भी इंस्टॉल करी गई, एम्बिएंट भी इसमें रहने वाली है, तो भाई फ्लोरिंग भी होने वाली है इस गाड़ी में, टैप्स की एंड्रॉइड सिस्टम भी हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया, और भाई वायरिंग भी आप देख रहे हो वो एम्पलीफायर की वायरिंग हो रही है, और वूफर भी इसमें लगाया जा रहा है JBL का, तो गाइस गाड़ी में ना और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो रही है, मतलब आप समझ लो पूरी बेस टू टॉप हम कर रहे हैं और वो भी एक नंबर का काम कर रहे हैं इसमें, तो गाइस वीडियो पूरी एंड तक देखना, एंड में मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा डिटेल करके और कस्टमर का रिव्यू भी लेंगे कि उनको ये काम कैसा लगा, तो हम मिलते हैं गाइस वीडियो के एंड में। तो गाइज जो अपने पास ब्रेजा आई थी वो हो चुकी है कंप्लीट, और ये गाइज बेस मॉडल है, अब इसको कोई कह नहीं सकता बेस मॉडल, और साथ ही साथ हमारे साथ शॉप से राजीव भैया भी है जो थोड़ी सी गाड़ी में डिटेल देने वाले हैं कि क्या क्या काम करवाया हमने इस गाड़ी में, तो राजीव भैया शुरू करते हैं पहले फ्रंट से, हमने फ्रंट में क्या क्या लगा के दिया है भैया, फ्रंट में इसमें एलईडी लाइट लगाई है, ठीक है भैया, पार्किंग ब्लॉक चेंज किए हैं, ये फॉग लैंप और क्रोम लगाए हैं, ठीक है, तो ये MGP का पार्ट होने वाला है, ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करके दिखा दे, तो ये देख सकते हैं गाइस लाइट स्टार्ट हो चुकी है, और भाई लाइट की क्वालिटी की मैं बात करूँ तो आप फ्रंट पे देख सकते हैं कितनी ही तेज रोशनी, और अभी दिन है और दिन के हिसाब से बहुत अच्छी लाइट आ रही है, भैया मैं पूछना चाहूंगा कौन सी लाइट डाली है हमने, कौन सी ब्रांड की, ऑटोमैक्स की लाइट डाली, कितने वाट की होने वाली है, तो नीचे आप देख सकते हैं नीचे की भी लाइट के थ्रू आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रहने वाली, और साथ ही साथ इसके बाद बात करूँ तो भैया फ्रंट में और क्या हुआ है, फ्रंट में हमने ये यू लगाया है, ठीक है भैया, और ये स्किड प्लेट लगाई है, पार्ट ब्लैक कलर का आता है, अच्छा उसके बाद में सिल्वर कलर लगाया, ठीक है भैया, तो गाइस अब साइड से बात करते हैं, तो साइड में आप देख सकते हैं राजीव भैया ये क्या है, ये भी लगाया रेंज रोवर वाला है, ठीक है, तो ये एक वेंट कह लूं मैं इसको, वेंट होने वाला है, उसके बाद मैं देख सकता हूँ एलॉयज भी डाले गए हैं गाड़ी में भैया, ये एलॉयज अपने पास कौन कौन से मिल जाते हैं, सारी कंपनी के मिल जाते हैं, ओरिजिनल भी मिल जाते हैं, आफ्टर मार्केट भी मिल जाते हैं, उसके बाद हमें टायर क्लैडिंग लगाई है, ठीक है, ये भी जेन्युइन रहने वाला है भैया, ठीक है, MGP की ओरिजिनल है, एवरेज प्राइस का, ठीक है भैया, साइड फीडिंग लगा रहे हैं अभी साफ करके, ठीक है, साइड फीडिंग भी लगाई, तो साइड फीडिंग अभी लगने वाली है, ये भी अपने जेन्युइन पार्ट रहने वाला है, तो वाइजर्स आप देख सकते हैं गाइस, तो जेन्युइन पार्ट रहने वाला है, और इसकी क्रोम की मैं बात करूँ तो काला नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा, तो ये अपना आफ्टर मार्केट रहने वाली है, तो गाइस जो भी अपने पास ओरिजिनल है वो ओरिजिनल पार्ट लगा दिया जाता है और जो आफ्टर मार्केट है आपको बता दिया जाएगा, तो भाई मिरर आप देख सकते हैं बॉडी कलर में आता था उसके बाद हमने इसमें ब्लैक लगा दिया, तो थोड़ा सा राजीव भैया बताओ ये कौन सा रहने वाला है, ये भैया ऑटोमेटिक है, रिमोट से बंद करेंगे तो रिमोट से बंद हो जाएंगे, ठीक है, रिमोट से खुलेंगे तो रिमोट से खुल जाएंगे, ठीक है, और इंडिकेटर जैसे मैं देख सकता हूँ इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये बेस मॉडल के अंदर नहीं है, बेस मॉडल के ऊपर अंदर क्या है, अंदर से एडजस्टिंग है, मिरर फोल्ड नहीं होते हैं, तो हमने इसमें रिले वगैरह भी लगाई है, इसमें रिले लगाई है, पावर विंडो रिले जो ये सारे नीचे रहेंगे, तो बटन दबाएंगे तो वन बाय वन चीजें बन जाएंगी, ठीक है, तो हम अभी वो सारी चीजें करके दिखा देते हैं, तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि जैसे हम लॉक कर रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जा रहे हैं और खोलने पे ये खुल भी जाएंगे, तो की भी आप देख सकते हैं ये हमने बनवाई है, तो ये फ्लिप की बनाई है हमने, और पूरा लोगो वगैरह आप देख सकते हैं प्रॉपर सुजुकी का ही रहने वाला है,
तो रिफ्लेक्टर्स आप देख सकते हैं गाइज, इसमें डमी रिफ्लेक्टर्स आता है जिसमें कोई लाइट नहीं होती थी। उसके बाद हमने इसमें लगाए टर्निंग वाले रिफ्लेक्टर्स जो ब्रेक्स में भी चलते हैं, टर्निंग भी, दोनों पे चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ये स्टार्ट होते हैं तो ये कुछ ऐसा रहने वाला है, और इंडिकेटर पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स पे कुछ ये ऐसे मैट्रिक्स रहने वाला है। गाइज अब मैं दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर से आपको काम, और ये आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा काम किया गया अंदर से भाई। एक बार पूरी ओवरऑल लुक देख लो पहले, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ है। मतलब मज़ा आ गया अंदर से, आप देखोगे ना पूरी लग्जरी वाली फील आ गई। मतलब ये ब्रेजा का टॉप से भी बढ़िया लग रही है। तो मैं साइड में पहले देख सकता हूँ, साइड में हमने लगाया, थोड़ा सा सॉफ्ट टच लग रहा है मुझे यहाँ पे राजीव भैया। ये तो ये लेदर का रहने वाला है पूरा, ठीक है। तो साथ ही साथ इसके बारे में बताओ भैया, ये एम्बिएंट के नीचे हमने क्या लगाया? K4 है, ठीक है, ये लगाई है। इसके साथ में हमने वुडन का फिनिश की है इसके अंदर, ठीक है। जो टॉप मॉडल में आता है उससे बेटर करके अलग चीज, जो टॉप मॉडल में आता है वो थोड़ा सा एक सिंगल कलर ही होता है। और ये हमने इसको जैसे अर्टिगा में आता है और ये आपका इनोवा क्रिस्टा में आता है, उस कलर का हमने लगवा के दिया है। तो ये पूरा मतलब जैसे थोड़ी सी मैं आपको डिटेल और दिखाऊं इस चीज की, तो आपको यहाँ पे ज्यादा विजिबल होगा कि ये पूरा वुडन का आप देख सकते हैं। ये पूरा पैनल और पूरा किट मैं बोल सकता हूँ राजीव भाई, पूरा रहने वाला है। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं ब्लैक लीवर्स आते थे इसमें, और ये चेंज करके हमने इसमें टॉप मॉडल वाले क्रोम वाले लगा दिए। जेन्युइन पार्ट रहने वाला है। इसके बाद भैया स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग जैसे भैया बता रहे हैं, तो बेस मॉडल में आप देख सकते हैं कोई भी कंट्रोल्स वगैरह कुछ भी नहीं आता, और हमने इसमें लगा दिया टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग जो कि पूरा कंट्रोल्स वगैरह के साथ सब वर्किंग रहने वाला है इसमें। एंड ऊपर से सबसे बड़ी बात ये रहने वाला है जेन्युइन पार्ट। और कोई भी आप अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें एयरबैग्स वगैरह की कोई दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि मॉड्यूल वगैरह पूरा सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। ओरिजिनल हब लग के ओरिजिनल स्टीयरिंग लग के काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद गाइस आप देखेंगे सीट कवर्स का इसमें काम हुआ है बहुत ही बढ़िया, मतलब कि अलग ही कलर की लुक आ रही है गाड़ी में। ये मैं बोलूं तो ब्राउन कलर से कुछ लुक आ रहा है भैया, कॉफी कलर, कॉफी कलर रहने वाला है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो डिजाइन वगैरह भी काफी कुछ नया है जो हम रेगुलर दिखाते हैं, उससे काफी लेटेस्ट डिजाइन में। और साथ ही साथ इसकी जो मैं कुशनिंग की बात करूं वो भी बहुत बढ़िया आने वाली है, फोम डाल के इसको हमने कुशनिंग और दी है। अच्छा, इसमें आपने हम हाई डेंसिटी डाली है और वो आप देख भी सकते हैं काफी फ्लफी सा लग रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको पीछे का भी दिखाऊं तो बहुत ही बढ़िया फिट आने वाला है गाइस। और साथ ही साथ राजीव भैया मैं पीछे देख सकता हूँ हेडरेस्ट भी लगाए गए हैं, तो थोड़ा हेडरेस्ट आपको क्लोज लुक दिखाते हैं हेडरेस्ट। तो ये आप देख सकते हैं पहले बेस मॉडल्स में ये हेडरेस्ट नहीं आता था, बट इसमें हमने हेडरेस्ट इंस्टॉल किया है। तो सेम सीट सी रहने वाली है, सेम सीट में हेडरेस्ट लगा दिया। तो ये आप देख सकते हेडरेस्ट की क्लोज लुक दिखा रहा हूँ मैं आपको, और प्रॉपर जैसे टॉप मॉडल वाली फिटिंग है वैसी रहने वाली है, रिमूव भी हो जाता है। उसके बाद मैं बात करूं तो सनग्लास होल्डर्स आप देख सकते हैं, सनग्लास होल्डर इसमें लगाया गया और इसमें लाइट भी चेंज कर दिए साथ ही साथ, और ये भी टॉप मॉडल वाला ही जेन्युइन पार्ट रहने वाला है। और फिटिंग में मैं आपको दिखाऊं तो काफी अच्छी फिटिंग है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई भी गैप या कुछ भी विजिबल नहीं है आपको। वेलकम लाइट भी आप देख सकते हैं ब्रेजा की बैजिंग के साथ बहुत ही अच्छी लग रही है, ग्लो कर रही है, काफी अच्छी लग रही है। एंड साथ ही साथ मैं मैट्स आपको दिखाऊं तो GFX के मैट इसमें डाले गए हैं जो कि 10D वाले रहने वाले हैं। फिटिंग भी मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही बढ़िया आने वाली है, इसकी गाड़ी के हिसाब से ही बनते हैं, तो बहुत अच्छी फिटिंग आने वाली है भैया। इसके अंदर हमें पावर विंडो रिले भी लगाई है, ठीक है भैया। जैसे हम ऑफ करेंगे तो 1x1 सारे विरर्स अपने आप उठ जाएंगे, तो एक बार वो भी करके दिखा देते हैं भैया। तो ये आप देख सकते हैं पीछे का मेरा उठ चुका है, उस साइड का भी उड़ गया, उधर का एंड ये वाला, तो एक एक करके चारों उड़ जाते हैं। और गाइस गाड़ी में लगाया गया है डैप्स का एंड्रॉइड स्क्रीन, और देख सकते हैं प्रॉपर एंड्रॉइड आने वाला है, प्लस ये एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो वाला रहने वाला है। एंड इसकी क्वालिटी एंड इसकी स्मूथनेस मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही बटरी स्मूथ रहने वाली है। एंड इसकी मैं आपको फिटिंग भी दिखाऊं, जैसे ग्लॉसी फ्लेम पे फिट किया गया, बहुत ही प्रॉपर कट टू कट फिट है, बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी में फिट करने के बाद। हेडसेट डिस्प्ले की पूरी लुक आ रही है इसमें। बाकी गाइज हमने इस गाड़ी में एक करा है बहुत ही तगड़ा काम जो कि है साउंड का, और साउंड के मैं बताऊं तो मोरल के हमने इसमें कंपोनेंट लगाए हैं, एंड को एक्सेल भी मोरल के लगाए गए हैं, और साथ ही साथ हमने JBL का वूफर लगाया, JBL का वूफर लगाया, प्लस DBS का ही एम्पलीफायर लगाया, DBS का एम्पलीफायर लगाया, और DBS की ही वायरिंग किट की है, ठीक है भैया। और डैम्पिंग भी हुई है इस गाड़ी में, डैम्पिंग हाई रेस की करी हमने, हाइस की करी है। तो एक बार भैया ऑडिशन वालों की होती है, ठीक है, इससे बढ़िया डैम्पिंग नहीं आती, कोई नहीं आती है। तो एक बार हम इसकी क्वालिटी सुना देते हैं भैया, क्योंकि गाड़ी में हुआ साउंड का बहुत ही अच्छा काम, जैसे मैं देख सकता हूँ बहुत सारी चीजें लगाई गई है साउंड से रिलेटेड, तो एक बार हम आपको साउंड सुना देते हैं। भाई मतलब आउटपुट इतना सॉलिड रहने वाला है कि अभी वॉल्यूम का मैं बोलूं कि 25% भी नहीं था, मतलब 25% में भी मैं इससे तेज नहीं कर पाऊंगा, इतनी तेज लाउड और क्लियर। मतलब मॉरल के स्पीकर्स आप देख सकते हैं कितने क्लियर एंड आउटपुट निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बोलूं जो एम्प और हम ये डैम्पिंग वगैरह करते हैं उससे भी काफी फर्क आता है, बहुत फर्क। तो भाई आप देख सकते हैं मतलब कि
आउटपुट इतना प्यारा हो चुका है। और ये भी हम बोले तो भैया ये हमने अभी मिड सेक्शन में काम किया है, मिड से मैं बोलूं कि थोड़ा सा नीचे ही है, मतलब इससे ऊपर भी अपने पास बहुत वैरायटी रहने वाली है। ठीक है, तो इससे ऊपर स्पीकर हमारे बहुत तरीके के हैं, फोकल है, ऑडिशन है, मतलब और ऊपर भी अपने है हमारे पास सारे है, बहुत स्पीकर। तो गाइज ये आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ गाइज अब मैं इस गाड़ी की बात करूं तो सारा इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर का हमने पूरा बेस टू टॉप का काम किया, और मैं बोलूं कि ZXi से भी पूरी अच्छी रहने वाली है। तो गाइज अब हम ले लेते हैं कस्टमर से रिव्यू कि उनको ये काम कैसा लगा देख के, प्लस वो कहां से आए हैं और कितने के हमने आसपास ये पूरी मॉडिफिकेशन करके दी इस गाड़ी में। तो चलिए मिलते हैं कार के ओनर से। तो ये कार के ओनर भैया हमारे साथ आ चुके हैं, तो एक बार हमसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं और क्या क्या काम इन्होंने करवाया अपनी गाड़ी में। तो वेलकम टू कृष्ण कालकर भैया, क्या नाम है आपका? नाम है मेरा और मैं रोहिणी सेक्टर 23 से आया हूँ। ठीक है भैया, तो हमारी शॉप के बारे में कैसे पता चला था? शॉप के बारे में यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, गूगल पे, फिर मैंने फोन करा तो राजीव भैया मिले मुझे। ठीक है भैया, का नेचर काफी अच्छा लगा। बाकी काम क्या क्या करवाया थोड़ा सा बताओ, बेस टू टॉप कराया पूरी गाड़ी में? हाँ, मैंने बेस्ट टॉप बिल्कुल पूरा बेस्ट टॉप कराया है। ठीक है, डैम्पिंग वगैरह कराई है। ठीक है, तो मिरर फोल्ड वाले कराए हैं, मतलब पूरा जो भी टॉप मॉडल में सामान होता है। राजीव भी हमने सारी चीजें डिटेल में अभी व्यूअर्स को दिखा दी है। मैं कुछ बोलूं कि जैसे अपना जो बेस मॉडल गाड़ी आती है उसके ऊपर जो ये टॉप मॉडल हमने बना के दिए, बहुत ही कम रेट में हमने कर दिया एज कम्पेयर टू शोरूम, बहुत कम रेट में, कम से कम 2 लाख 2 लाख कम दिया। और मैं देखूं भैया काफी शौक की चीजें भी लगाई गई, जैसे एम्बिएंट हो गई, अपनी वुडन किट हो गई, सारा चीज भैया ने बहुत बढ़िया काम कराया, टॉप का काम कराया, टॉप काम कराया। ठीक है, तो भैया ओवरऑल आपने फिटिंग वगैरह देखी? फिटिंग बहुत अच्छी लगी, मतलब ओवरऑल काम बहुत अच्छा लगा इन लोगों का। सेटिस्फाइड हो काम से? मतलब आप जैसे आफ्टर मार्केट, मैं फर्स्ट टाइम है हमारी शॉप में, तो फर्स्ट टाइम आए हैं, जैसा आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं वैसा काम दिखाया, वैसा ही मिला यहाँ पे? वैसा ही मिला बिल्कुल, मतलब अच्छा काम मिला। कुछ कहना चाहते हैं भैया व्यूअर्स के लिए जो दूर से आते हैं या कुछ? के लिए यही कहना है कि बस आओ यहाँ पर काम करो, रेट में भी बहुत हेल्प करेंगे आपके लोग, तो रेट वाइज भी ओवर सेटिस्फाइड है आप भैया। इस गाड़ी में हमने मतलब कितने तक का काम हमने करके दिया? 1,40,000 का हमने काम करके दिया। और भैया ये रेट मैं बोलूं तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, डिपेंड करता है जैसे भैया ने जैसे टॉप क्लास की चीजें लगाई हैं सारी, इससे अपने पास नीचे भी है, इससे और भी ऊपर मिल जाएंगे? ऊपर ही मिल जाएगा। भैया ने जो सीट कवर लगाए हैं 12,500 रुपए की सीट कवर लगाए हैं। ठीक है, हमारे पास 6,000 से स्टार्टिंग होकर 20,000, तो मतलब बजट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, बंदा वो जितने पैसे भी लाएगा उसमें आप बेस्ट टू बेस्ट करवा देंगे। तो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच भैया अपना टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गाइस हम करते हैं आज की वीडियो ये खत्म। ये अपने पास आई थी रोहिणी सेक्टर 23 से गाड़ी आई थी आज यूट्यूब से वीडियो देख के। तो गाइस अगर आपको भी गाड़ी का काम करवाना, चाहे कोई भी गाड़ी हो, तो आप विजिट कर सकते हैं क्रिस्टल कार केयर करोल बाग में। हम मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।